अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। आज ये क्यों आसमान सजाया जा रहा है, आज ये क्यों आसमान सजाया जा रहा है, लगता है कोई मेहमान बुलाया जा रहा है, लगता है कोई मेहमान बुलाया जा रहा है। नाजरीन, आप तमाम बरादरान इस्लाम को और बरादरान वतन को और अहलियान परभनी को शाही वाटर कूल सप्लाई के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब की जानिब से दिल की गहराइयों से शब महराज की मुबारकबाद दी जाती है। 28 फरवरी के दिन परभनी शहर में स्थित बसमत रोड पर स्थित बी रघुनाथ सभागृह, यहाँ पर एनसीपी के सीनियर नेता साबिखा आमदार विजय गवाने साहब, इन्होंने राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनको संसद रत्न पुरस्कार घोषित किए जाने पर परभनी में नागरिक सत्कार कार्यक्रम का आयोजन उनके जानिब से किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 28 फरवरी परभनी शहर के बसमत रोड पर स्थित बी रघुनाथ सभागृह, यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा साबिखा मंत्री तथा मौजूदा राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनको संसद रत्न पुरस्कार घोषित किया गया है। इसी खुशी में परभनी शहर में 28 फरवरी को एनसीपी के सीनियर नेता साबिखा आमदार विजय गवाने साहब, इनकी अध्यक्षता में नागरिक सत्कार का कार्यक्रम रखा गया था। शाम 6 बजे से ये नागरिक सत्कार कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले तो तैयबा रोटी बैंक के सामने से एक भव्य रैली का आयोजन शफीक़ मिल्लत सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब, इन्होंने एक रैली, भव्य रैली निकाली, जिसमें ढोल ताशे और आतिशबाजी के साथ सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने तैयबा रोटी बैंक से लेकर बी रघुनाथ सभागृह तक एक भव्य रैली निकाली गई थी। और बाद में बी रघुनाथ सभागृह यहां पर सफरचंद तुला सांसद रत्न फौजिया खान इनका किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब इस नागरिक सत्कार कार्यक्रम में विशेष तौर पर उनकी मौजूदगी थी, तो उनका भी स्वागत सत्कार सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब ने किया। तो वहीं आपको बता दें कि आज के इस नागरिक सत्कार कार्यक्रम जो कि बी रघुनाथ सभागृह यहां पर रखा गया था, इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजक साबिखा आमदार विजय गवाने साहब, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, इनकी मौजूदगी में और परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल इनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को रखा गया था। इस कार्यक्रम में परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव, विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान साहब, पाथरी विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार सुरेश रावजी वरपुरकर साहब मौजूद थे, परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल मौजूद थे, उन्हीं के साथ में जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला ताई विटेकर, परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रविंद्र सोन कामड़े, उप महापौर भगवान रावजी वागमारे, साबिखा खासदार तुकाराम जी रेंगे पाटिल, साबिखा खासदार सुरेश जाधव, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर रह चुके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परभनी महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, तो उन्हीं के साथ में गट नेता जाकिर अहमद खान, पाशा कुरैशी साहब, तो उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दूसरे तमाम कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि परभनी महानगर पालिका प्रभाग 6 के युवा नेता एनसीपी कॉरपोरेटर सैयद इमरान लाला हुसैनी, इनकी भी मौजूदगी थी। तो उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अखिल खाजी उर्फ ससा, ये भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के
तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनको सांसद रत्न के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, उनको चुना गया। तो उनका आज नागरिक सत्कार परभनी में रखा गया था बी रघुनाथ सभागृह में। तो यहाँ पर युवा नेता साजिद अंसारी, इन्होंने अपने तमाम दोस्तों के साथ डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान इनका स्वागत सत्कार किया है। ये आपको बता दें कि इस मुबारकबाद देते वक्त इमरान भैया रूबी, इरफान भैया रूबी मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान इनके स्वागत के कार्यक्रम में जो नागरिक सत्कार कार्यक्रम रखा गया था, इसमें जो कि तमाम लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, तो परिवार के भी तमाम लोग तहसीन अहमद खान साहब मौजूद थे, अली अहमद खान साहब मौजूद थे, खुर्रम बेग उर्फ अजू भैया मौजूद थे, परिवार के तमाम सदस्य मौजूद थे। हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट कवर की है, आप देखिए ये रिपोर्ट। सत्कार होतोय, त्यांचा सत्काराचा
माध्यमातून खरं कार्य म्हणून आपण ज्यांच्या पुरस्काराला आज आलो, ज्यांचं अभिनंदन करतो, ज्यांच्या विचाराला मानतो, ज्यांनी चांगलं केलं म्हणून या ठिकाणी आलोय, हे सगळं तुम्ही आम्ही जर जिवंत राहायचंय तर लोकशाही जिवंत राहायला पाहिजे. लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी आज जे लोकशाहीचा गाळा लागतात त्यांना मला आठवण करून द्यायची की तुमच्याच पक्षाचे विचार या देशाचे माजी प्रधानमंत्री म्हणून अटलजी सभागृहात आणले. आज त्या पक्षाला जागी म्हणून द्यायची वेळ. पार्टियां बनती है बिगड़ती है, सरकारें आती है जाती है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए. यह अटल जी ने क्या वे संसदीय संगीत आज या लोकांना जाणीव करून द्यायची. असे रस्त्यावर उभी केली होती सर्व सन्मान्य उपस्थित बंधू व भगिनी. आभार व्यक्त करते विजय गवाने साहेबांच्या ज्यांनी हे सत्काराचा कार्यक्रम आपल्या समिती सोबत आयोजित केला. त्याच्या सोबत मी आभारी आहे धनंजय मुंडेजीची. ते खास माझ्यासाठी परभणी पर्यंत आले आणि एवढे चांगले माझ्याबद्दल विचार इथे मांडले. जे परभणीचे वरिष्ठ नेते आहे सर्वांनी माझ्याबद्दल खूप चांगले विचार इथे मांडलेले आहे आणि माझ्यासाठी ते खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. खर तर माझी संपत्ती माझी कर्मभूमी ही परभणीच. जरी राज्यसभेमध्ये महाराष्ट्राच्या मी प्रतिनिधित्व करत असत, माझ्या मतदारसंघ महाराष्ट्र आहे, तरी सुद्धा माझ्या हृदय हे परभणी मध्येच आहे. आणि मी एवढंच सांगेल, एक उर्दू शेर है वो मैं बोलना चाहूंगी और उसका मतलब भी आपको बताऊंगी ताकि आपकी समझ में भी आए कि मैं क्या बोल रही हूँ. आपके नाम से, आपके नाम से ताबिंदा है उन्वाने हयात, वरना कुछ बात नहीं मेरे अफसाने. आपके नाम से आप परभणी करों के नाम से मेरी जिंदगी डेडिकेटेड है, समर्पित है, वरना मेरे अफसाने में क्या है, कुछ भी नहीं है. आपके प्यार की वजह से आप लोगों ने जो भरपूर मुझे मोहब्बत दी है आज तक, मैं परभणी मध्ये जेव्हा आले पहिल्यांदा आणि जसं धनंजय मुंडेजीने सांगितलं की मला, मी तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करत, पवार साहेबांना कसं माहीत पडलं मला माहीत नाही. मला त्यांनी डायरेक्ट इलेक्शन होते नगरपालिकेचे, त्याच्या प्रेसिडेंटसाठीच्या तिकीट दिलं आणि त्यावेळी जे मी प्रेम बघितलं परभणीचा, परभणीकरांनी जे भरभरून मला प्रेम, पवार साहेबच आहे आणि धनंजय मुंडे साहेबांनी खूप चांगलं वर्णन केलेलं आहे की रतन निवडण्याची कला ज्या नेतृत्वामध्ये आहे. त्यांनी मला विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून त्यांनी नियुक्ती दिली. मुंडे साहेब मला दोनदा संसद रत्न मिळालेला नाही, एकदा मिळालेला आहे, पण विधान परिषद मध्ये मला एकदा बेस्ट लेजिस्लेटर म्हणून
राष्ट्रपती त्यावेळचे आदरणीय प्रतिभाताई पाटील त्यांच्या हस्ते मला तो पुरस्कार मिळाला होता ज्यावेळी मी पहिल्यांदा विधान परिषदेत गेलो. त्याच्यानंतर पवार साहेबांनी मला मंत्री केलं आणि मंत्री होऊन जेव्हा मी परभणीला पहिल्यांदा आले त्यावेळी तर मी कधी विसरू शकत नाहीये ज्याप्रमाणे परभणीच्या लोकांनी माझं स्वागत केलं होतं. एवढी गर्दी होती की रेल्वे मधून मी जेव्हा उतरले त्यावेळी मला असं वाटत होतं की इथे माझी श्वास बंद होईल आणि मी इथेच मरून पावणार. पूर्ण जे आहे प्लॅटफॉर्म असं भरलं होतं, अनेक लोक जे खाली पडले, काही लोकांचे फ्रॅक्चर झाले आणि स्टेशनवरून माझ्या घरापर्यंत मला ज्या गाडीमध्ये उभं करून घरापर्यंत नेण्यात आला प्रत्येक घरावरून त्यांनी फुलं माझ्यावर टाकले आणि जेव्हा घरामध्ये मी पोहोचले तर मी बघितलं की माझ्या गाडीचा टायर पंक्चर झाला होता. तसंच ते ढकलून लोकांनी मला तिथपर्यंत नेलं. इतकी गर्दी आणि इतका प्रेम मला या परभणीमध्ये मिळालेला आहे. अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगली. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन. डॉक्टर फौजिया खान सर, टुडे breaking our own principles we felt compelled to go into the well because this is so important to our democracy. Jhoot tantra se bachna hoga, khoot tantra se bachna hoga. Lok tantra ki aabru ko loot tantra se bachna hoga. Gan tantra to hai man tantra, dhan tantra se bachna hoga. Samvidhan pe na ho jaye hamle, प्रजातंत्र को बचना हो. सर, लिफाफा चाहे कितना ही सुंदर हो, उस लिफाफे में अगर बुरी खबर हो तो उस लिफाफे की खूबसूरती का क्या फायदा है. आज इस बिल को एक सुंदर लिफाफे के अंदर डेमोक्रेसी को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, तो इस सुंदर लिफाफे का मतलब क्या है. उपसभापति महोदय, 12 गवर्नर नॉमिनीज एमएलसीज के नाम राज्यपाल को दिए गए, कई महीने हो गए और वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं. इस इंतजार में है कि सरकार बदल जाएगी और हम सत्ता में आ जाएंगे. चलाई गई तब हमारी सरकार खामोश क्यों रही? मेरा सवाल इस हाउस से ये है, मैं बस इतना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी शुड लिव, डेमोक्रेसी शुड एग्जिस्ट एंड डेमोक्रेसी शुड कंटिन्यू. थैंक यू सर. वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता प्राचार्य किरण सोनटक्के इन्होंने और तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख इन्होंने और पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर शुभेच्छा दी है. वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान इनको सांसद रत्न चुने जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक शहर जिला अध्यक्ष अब रहमान खान पठान और उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जलील पटेल और पार्टी के तमाम अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान को सांसद रत्न चुने जाने की खुशी में उनका
स्वागत सत्कार किया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब और उनके फर्जंद फैजान खान, इन्होंने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनको संसद रत्न चुने जाने की खुशी में उनको मुबारकबाद दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि गंगाखेड़ विधानसभा के साबिका आमदार डॉक्टर मधुसूदन केंद्रे, इन्होंने भी डॉक्टर फौजिया तहसीन खान को सांसद रत्न चुने जाने पर मुबारकबाद दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 28 फरवरी को जो नागरिक सत्कार कार्यक्रम रखा गया था, सीनियर नेता साबिका आमदार एडवोकेट विजय गवाने साहब, इन्होंने इस नागरिक सत्कार कार्यक्रम को परभनी शहर के बी रघुनाथ सभागृह यहां पर रखा था, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम विंग और तमाम ही पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें तालुका बॉडी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। तो वहीं पर महिला आघाड़ी के तमाम महिलाएँ बड़ी संख्या में मौजूद थी, जिसमें युवती राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेक्षा भामड़े, इनकी खसूसी मौजूदगी थी। उन्होंने भी राज्यसभा के सांसद को जो सांसद रत्न पुरस्कार से नवाजा जाने वाला है, जिनका नॉमिनेशन हो चुका है, उनको मुबारकबाद दी है। और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और शहर की जानी मानी शख्सियतें आज के इस नागरिक सत्कार कार्यक्रम में बड़ी तादाद में मौजूद थी। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।